अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी आपके इस्तकबाल करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में जिसका उन्वान है क़ुरबानी के मसाइल। मोहतरम नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड में हमने गुफ्तगू की क़ुरबानी के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में हमारे लिए हिदायत और नसीहत के जो पहलू हैं उन पर तफसील से गुफ्तगू हुई। आज के एपिसोड से इंशाअल्लाह ताला हम कुर्बानी की तारीफ़, कुर्बानी की मशरूइयत, कुर्बानी के हवाले से शुभात और एतराज़ात, इन मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। इन अहम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफीज़हुल्ला। आप जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगाँव के उस्ताद हैं और वहाँ के इफ्ता के शोबे के ज़िम्मेदार हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शेख से। सबसे पहले तो कुर्बानी का जो नाम है शेख, उसके हवाले से ही वजाहत हो जाए कि कुर्बानी की तारीफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। ये जो लफ्ज़ कुर्बानी है, ये तो हम उर्दू में बोलते हैं लफ्ज़ कुर्बानी, लेकिन ज़खीरे अहादीस में या कुरान के अंदर जहाँ कुर्बानी का जिक्र आया है तो इसके लिए दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कुरान की जो आयत है, कुरान के अंदर कर्रबा कुर्बान आयत है कि जी आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के लड़कों के बारे में, आबिल और काबिल के बारे में कुर्बान का लफ्ज भी इस्तेमाल है जी। क्योंकि कुर्बानी जो है, कुर्बान ही से हम उसको या निस्बती लगा करके उसको हम कुर्बानी बनाते हैं। तो आमतौर से कुरान के अंदर नुसुक का लफ्ज इस्तेमाल है इसके लिए, और अहादीस के अंदर भी नुसुक का लफ्ज भी है। उदहिया का लफ्ज है, उसका माना एक ही होता है। आप चाहे उसको अरबी में उदहिया कहें, नुसुक कहें, या कुर्बान कहें अरबी में, या फिर हम अपनी जबान में उसको कुर्बानी कहें। तो ये तो बात हुई उसके लफ्ज से मुताल्लिक जी, जो ये सारे अल्फाज कुर्बानी के माना में इस्तेमाल होते हैं जी। ये सारे अल्फाज कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहर का लफ्ज जी, फसल्ली ली रब्बी का वनहर। हाँ, तो नहर असल में कुर्बानी के उधिया के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है जी। जी, नहर एक किस्म का, जैसे हम जानवर को ज़बह करते हैं ना, उसकी किस्म। हाँ, उसकी ज़बह करने की किस्म है। इंशाल्लाह उसका तज़किरा जब ज़बह के मसाइल पर हम आएंगे तो आएगा। तो ये कुर्बानी के लफ्ज़ से मुतालिक बात हुई। कुर्बानी की जहाँ तक तारीफ की बात है तो उलमा ने और फुकहा ने मुख्तलिफ अल्फाज में इसकी मुख्तलिफ तरह से तारीफात की हैं। जरा सा हम रुक करके अगर इसके जो लुगवी माना, जैसे कुर्बानी का मतलब तो ये समझ में आता है कि अल्लाह से तकर्रुब हासिल करने का जरिया। कुर्बानी का लुगवी माना अगर आप देखेंगे तो लुगवी एतबार से उदहिया जी, उदहिया बोला जाता है, उदहिया, इदहिया, वहिया जी। इसमें तीन लुगात हैं जी। जी, ये हो सकता है हमारे आम नाजरीन के लिए ये चीज़ उतनी ज़्यादा तवज्जो का बाइस ना हो, लेकिन बहुत सारे अहले इल्म और तुल्लाबुल इल्म भी हमारा जी नहीं, क्योंकि ईद उल अदहा तो हम बोलते ही हैं। एक मैं नाजरीन के लिए ज़रा सा ये भी वजाहत कर दूँ कि बाज़ लोग जो हैं वो ईद उल अदहा को ईद उल ज़ुहा बोलते हैं, तो ज़ुहा का मतलब होता है चाश्त का वक्त, वो एक अलग चीज़ है, और अदहा का मतलब होता है कुर्बानी, तो ईद उल अदहा का मतलब होता है कुर्बानी वाली ईद। क्योंकि बाज़ मरतबा लोग ईद उल ज़ुहा कहेंगे वो भी सही है, ज़ुहा भी बोला जाता है उस वक्त, असल में ये उस वक्त की तरफ जो है मंसूब है। अच्छा, हाँ, लुगत में जैसा कि मैंने अर्ज किया तीन लुगत हैं इसमें, उदहिया, इदहिया और दहिया। दहिया और तीनों एक ही माने में है, लुगत में फर्क होता है जी। और इसका माना है, उदहिया कहते हैं उस जानवर को जिसको ज़बह किया जाए जी। जी, और उदहिया क्यों कहा गया उसको जी, ये वक्त की तरफ निस्बत है जी। ये वक्तुल दुहा में, वक्तुल अधा में जो है इसको दुहा कहते हैं, चाश्त का, चाश्त का। तो ये कुर्बानी चाश्त के वक्त में शुरू होती है, तो उसकी तरफ निस्बत कर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जी, जी। वक्त की तरफ निस्बत, तो जो सूरज जरा सा चढ़ जाता है जो चाश्त की नमाज जब पढ़ी जाती है, तो दुहा का मतलब होता है उर्दू में चाश्त। तो चाश्त के वक्त चूंकि इस कुर्बानी की इब्तिदा होती है तो उसकी तरफ निस्बत करके इसको उदहिया कहा गया, क्योंकि दहिया का मतलब होता है चाश्त का। तो ये इसका लुगवी माना है। और नुसुक जी, नुसुक, हाँ, नुसुक का मतलब भी कुर्बानी, हाँ, उसको नसीका भी बोलते हैं, नुसुक भी बोलते हैं जी। और जहां तक शरई तारीफ की बात है या इस्तिलाही तारीफ जिसको हम कहते हैं, तो मुख्तलिफ अल्फाज में तारीफ है। जो सबसे जामे तारीफ मुझे लगी वो ये है, अरबी के अल्फाज उसके इस तरह हैं
कि मा युदक्का मिन बहीमतिल अनआम अय्याम अल अधा बेसबब अल ईद तकर्रुबन इलल्लाह तआला बेशराइत मखसूसा। उर्दू में इसका आसान सा मफहूम यह है इस तारीफ का कि वो बहीमतुल अनआम, बहीमतुल अनआम जानवरों की एक किस्म है, इस पर हम इंशाल्लाह भी आते हैं जी। वो बहीमतुल अनआम चौपाए बोल सकते हैं हम आसानी के लिए, हाँ चौपाए, क्योंकि चौपाए में और बहुत सारे जानवर आते हैं जी। तो लेकिन कुछ खास किस्म के चौपाए हैं जिन पर बहीमतुल अनआम का इतलाक होता है। तो वो बहीमतुल अनआम जिनको ईद उल अधा के अयाम में ज़बह किया जाए, ईद के सबब, ईद के सबब से ज़बह किया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, बेशराइत मखसूसा मखसूस शरायत के साथ। वो जो मखसूस शरायत है कुर्बानी के, उनका जिक्र इंशाल्लाह आगे के मसाइल में आएगा। तो देखिए, वो बहीमतुल अनाम जिनको ज़बह किया जाए अय्याम अल अधा, गोया कि अगर अय्याम अधा से पहले या बाद में ज़बह किया जाता है तो इसका इतलाक नहीं होगा, गर्चे आप तकर्रुब इलल्लाह के लिए ही करें, बहीमतुल अनाम ही करें। बेसबब अल ईद, ईद के सबब से, अगर कोई आदमी ईद के अय्याम में, ईद उल अधा के अय्याम में कोई जानवर ज़बह करे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के तौर पर, लेकिन ईद उल अधा की नीयत उसकी ना हो तो वो कुर्बानी नहीं होगी। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कभी भी जानवर ज़बह कर सकते हैं उसका इबादत के तौर पर, लेकिन ये भी नीयत होनी चाहिए कि मैं ईद उल अधा की मुनासबत से ज़बह कर रहा हूँ, ईद उल अधा के सबब से। तकर्रुबन इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब की नीयत होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन अय्याम में आप गोश्त खाने के लिए जानवर ज़बह कर रहे हैं, इबादत आपकी नीयत नहीं है जी, तो वो आपकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी जी। वो आपका ज़बह करना, गोश्त खाना ये सही होगा, लेकिन आपकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए और ये जो शर्त है तकर्रुबन इलल्लाह, ये तमाम इबादत में, किसी भी इबादत की आप तारीफ करेंगे उसमें ये शर्त ज़रूरी है, ये कैद लगाना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब की नीयत से ऐसा किया जाए। कोई भी इबादत आप करें, नमाज हम पढ़ रहे हैं, अगर अल्लाह के तकर्रुब की नीयत ना हो तो हमारी नमाज नहीं होगी, गर्चे हम खड़े हों, रुकू करें, सजदा करें, तो वो नमाज नहीं होगी। तो तकर्रुब की नीयत तमाम इबादतों में ज़रूरी है, और जो उसके मखसूस शरायत हैं उन शरायत का जिक्र इंशाल्लाह आगे के मसाइल में आएगा। तो ये कुर्बानी की तारीफ है। कुर्बानी की मशरूइयत क्या है, यानी क्या कुर्बानी हमारी शरीयत का हिस्सा है, इसके क्या दलायल हैं? जी, कुर्बानी हमारी शरीयत का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है, और अदिल्ला बेशुमार हैं इस पर जी, कुरान के अंदर भी, अहादीस के अंदर भी, इजमा से भी ये चीज़ साबित है। मैं चंद अदिल्ला का जिक्र करता हूँ अपने नाज़रीन के लिए। कुरान करीम की जो आयत है फसल्ले रब्बिका वनहर, छोटी सी जो सूरत है इन्ना आतैना कल कौसर, फसल्ले रब्बिका वनहर, फसल्ले रब्बिका वनहर का मतलब है अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, अल्लाह के लिए ज़बह करो जी। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बह का जिक्र किया है, ये कुर्बानी की मशहूरियत है। इसी तरह से एक और आयत है वलकुल उम्मतिन जअल्ला मनसकल लियज़कुरु इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। इस आयत का मफहूम आसान अल्फाज में ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हमने ये जो कुर्बानी पेश करने की जो सुन्नत है, ये हमने पहले बहुत सारी उम्मतों के लिए इसको बनाया है, ये उम्मते मुहम्मदिया के साथ खास नहीं है, और ये बात पहले भी आ चुकी है कि ये कुर्बानी की जो सुन्नत है ये सारे उम्मतों के लिए है। तो इससे पता चलता है कि ये उम्मते मुहम्मदिया के लिए भी है। इसी तरह से एक और आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुल इन सलाती व नुसुकी, मैंने अर्ज किया ना कि उसके लिए नुसुक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कुल आप कह दीजिए इन सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। तो इसमें भी कुर्बानी करने का जिक्र है। इसके अलावा अगर हम ज़खीरे अहादीस में देखें तो कुर्बानी की मशरूयत के सिलसिले में बहुत सारी हदीसें हैं, वो हदीसें कौली भी हैं, फैली भी हैं, तकरीरी भी हैं, यानी अल्लाह के नबी ने कहा भी है जी, खुद किया भी है और अल्लाह के नबी के सामने किया भी है। तीन किस्में होती हैं, एक कौली, एक फैली, एक तकरीरी। कौली का मतलब जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है अपनी ज़ुबान मुबारक से,
फेली का मतलब जिसको करके आपने दिखलाया है लोगों को, तकरीरी का मतलब आपके सामने किया गया और आपने उस पर नकीर कोई एतराज नहीं किया, उसको तकरीरी कहते हैं। तो कुर्बानी के सिलसिले में इससे बड़ी दलील मशरूयत की और कोई नहीं हो सकती है कि इसमें तीनों अकसाम की हदीसें मौजूद हैं, कौली, फेली और तकरीरी। कौली हदीस आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं, मन ज़बह बाद सलाती फ़क़द तम्मा नुसुकुहु व असाब सुन्नत अल-मुस्लिमीन। ये मुत्तफ़क अलैह रिवायत है कि जिसने नमाज के बाद यानी ईद उल अज़हा की नमाज के बाद जिसने कुर्बानी किया तो उसकी कुर्बानी पूरी हुई और वो असाब सुन्नत अल-मुस्लिमीन और जो मुसलमानों की सुन्नत है वो उसने उसे पा लिया। इसके अलावा और एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी थे उकबा बिन आमिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान कुर्बानी तकसीम किया, कुर्बानी के जानवर, कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहाया बैन असहाबी ही, यह हदीस के अल्फाज हैं कि अपने सहाबा के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर तकसीम किए। फसारत ली जज़ा, उकबा बिन आमिर कहते हैं कि मेरे हिस्से में जज़ा पड़ा। जज़ा एक उम्र है जानवर जी, जब बकरी या बकरा 6 महीने का हो जाए और 6 महीने से ऊपर का और अभी 1 साल को नहीं पहुंचा है तो इस दरमियान जो उसकी उम्र होती है उसको जज़ा कहते हैं। तो चूंकि जज़ा की कुर्बानी नहीं है, जब हम उम्र का जिक्र आएगा तो उसका इंशाल्लाह बयान करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से में जज़ा पड़ा और जज़ा चूंकि काफी नहीं है तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे हिस्से में तो जज़ा आया है, मैं क्या करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़हबिहा, ये कौली हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा उसकी कुर्बानी करो, कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि मन ज़बह क़ब्ल सलाती फलयज़बह शातम मकानहा। अगर ईद उल अज़हा की नमाज से पहले किसी ने कुर्बानी कर दिया, उसकी कुर्बानी नहीं हुई, अब नमाज के बाद फिर वो दूसरी नई बकरी कुर्बानी करे। वमन लम यकुन ज़बहा फलयज़बह अला इस्मिल्लाह, ये भी मुत्तफ़क अलैह रिवायत है, अगर किसी ने नमाज से पहले कुर्बानी नहीं किया है तो वो नमाज के बाद कुर्बानी करे। तो ये देखिए, मैंने 3 हदीसों का जिक्र किया, ये तीनों हदीसें कौली हदीस हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ये मशरूयत की दलील है। इसके अलावा फेली हदीस भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि लहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैन अमलहैन अक्रनैन ज़बहहुमा बियदिही वसम्मा वकब्बरा ववदअ रिजलहु अला सिफाहिहिमा। ये हदीस के अल्फाज हैं। असल हमारे नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद उनमें अवामुन्नास की है, तो हदीस के अल्फाज मैं बसा औक़ात अरबी में भी पेश करता हूँ, तो मुनासिब है कि उनका तर्जमा भी उनके लिए कर दिया जाए। तो इस हदीस का तर्जमा या इसका मफहूम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैन अमलहैन अक्रनैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 भेड़ ज़बह किए, अमलहैन अक्रनैन, अमलहैन का मतलब सफ़ेद थे, खालिस सफ़ेद। बाद रिवायतों में आता है कि उनके पाँव में काला था, पेट का कुछ हिस्सा काला था, आँख के चारों तरफ कुछ हिस्सा काला था। तो भेड़ ज़बह किए जो कि सफ़ेद थे, अक्रनैन सींग वाले थे, और उन दोनों को अपने हाथों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह किया, और ज़बह करते वक्त उनको लेटा करके उनके कनपटी पे पांव रख करके फिर आपने ज़बह किया। तो ये फेली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया ऐसा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर करने के लिए कहा वहीं पर करके दिखलाया भी। उसके अलावा तकरीरी हदीसें भी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया और आपने उसका इकरार किया। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि उनसे पूछा गया कि कैफ़ कानत अद्दुहाया फी अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी कैसे होती थी। तो उन्होंने कहा कि कान रजलो युदही बिशातिन अनहु अन अहलीही, कि एक आदमी एक बकरी को अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से वो कुर्बानी करता था। फयाकुलूना व युतइमून, खुद भी खाते थे दूसरों को भी खिलाते थे। उसके बाद वो आगे फरमाते हैं कि सुम्मा तबाह अन्नास, उसके बाद ज़माना ऐसा आ गया कि लोग कुर्बानी के मामले में भी फख्र करने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करो और उस पर फख्र करने लगे। फसार अल अम्र कमा सारा, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी कैसी होती थी उसके सिलसिले में अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ख़बर दी। इसका मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके सामने ये कुर्बानी की सुन्नत अदा की जाती थी
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इकरार किया। तो ये किताब सुन्नत से दलील हुई, कई दलीलों का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा बहुत सारी हदीसें हैं, इसके अलावा इजमा से भी कुर्बानी की मशरूयत साबित है। बहुत सारे उलमा ने, इब्ने कुदामा वगैरह ने इस पर इजमा नकल किया है कि हर जमाने में उम्मत मुस्लिमा का इजमा रहा है कि कुर्बानी का अमल ये मशरू है। जी, एक बाज़ एक जहन रखने वाले इस तरह की भी बात करते हैं कि कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ हाजी लोग करते थे, जो हज ही होता है अलग से, हज जो हज ना कर रहा हो, जो हज की नीयत से ना गया हो हज करने के लिए, उसके कुर्बानी करने का कोई सबूत नहीं मिलता है। एक एतराज़ पेश किया जाता है, बाज़ एक शाज लोग ऐसा नज़रिया रखते हैं, तो उनको जवाब कैसे दिया जाए? हमारे नाज़रीन गौर फरमाएं कि अभी मैंने ख़ास तौर से जिन हदीसों का जिक्र किया, तकरीबन 4-5-6 हदीसों का मैंने जिक्र किया। जी जी, सारी हदीसें सही, उनमें बेशतर रिवायतें मुत्तफ़क हैं बुखारी मुस्लिम की। जी जी, क्या इन हदीसों पर नज़र रखने वाला कोई इंसान कह सकता है कि ये जो लोग मदीना के अंदर कुर्बानी करते थे क्या ये हज करने जाते थे? अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा साफ फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे, आप कुर्बानी करते थे, मदीना में कौन सा हज होता था? जी सही बात। कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन असहाबिही दहाया, अपने सहाबा के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधिया तकसीम किया। जी, और जो हज की मुनासबत से एक हाजी कुर्बानी देता है उसको उधिया नहीं कहते, उधिया नहीं कहते, उसको हदी कहते, हदी कहते हैं। उसके अहकाम दूसरे हैं, और बहुत सारे मामलात में उधिया ही के अहकाम है, लेकिन वो एक दूसरी नौयत की इबादत है। जी, तो अगर कोई ऐसा एतराज करता है, पहली बात तो उसके अक्ल पर हम मातम करेंगे, दूसरी बात ऐसी बात वही कह सकता है जो हदीस की हुज्जियत जिसके यहाँ मशकूक हो। जी जी, इतनी सरीह और सही हदीसों के होने के बावजूद वो ये कैसे कह सकता है कि कुर्बानी नहीं होती थी बल्कि वो हदी उससे मुराद है? जी जी, एक बहुत मशहूर हदीस बयान की जाती है, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, उसके हवाले से। हाँ, कुर्बानी की मशरूयत या फजीलत वगैरह के सिलसिले में बहुत सारी इस तरह की हदीसें हैं जो मशहूर हैं और आमतौर से हम मुकर्ररीन और खुतबा हज़रात से सुनते रहते हैं। उन्हीं में से एक हदीस सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, अल्लाह के नबी से पूछा गया मा ही अल अदाही फ़काल सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, वो अब इब्राहिम लंबी हदीस है, लेकिन सही बात यह है कि ये हदीस ज़ईफ है, बहुत सारे लोगों ने इसको मौदू तक कहा है, तो इस हदीस की कोई हकीकत नहीं है। बल्कि कुर्बानी के सिलसिले में, उधिया के सिलसिले में, उसकी फजीलत के सिलसिले में जो नस के साथ हदीसें वारिद हुई हैं, इब्नुल अरबी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इब्नुल अरबी जिनकी किताब आरिदतुल अहदी है, अपनी उसी किताब के अंदर कहते हैं कि उधिया की फजीलत से मुताल्लिक, उधिया की बहुत सारी फजीलतें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है किताब सुन्नत से, लेकिन उधिया की फजीलत के सिलसिले में जो मंसूस हदीसें हैं उनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है। इसी तरह एक हदीस, इस तरह की हदीसें बयान की जाती हैं कि हर बाल के बदले में सवाब है, बिल्कुल इसी हदीस के अंदर, ये जो आपने जिक्र किया इसी हदीस का आगे तक मिला है। इसी तरह से और एक हदीस है उधिया के सिलसिले में जो ज़ईफ है और जिसको बहुत शद्दोमत से हदीस बयान की जाती है, वो हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि मा अमिला इब्नु आदम मिन अमलिन अहब्बा इलल्लाह यौम नहरि हब्बा इलल्लाहि मिन इहराकिद्दम, कि कुर्बानी के दिन इब्ने आदम या कोई इंसान कुर्बानी से ज़्यादा महबूब अमल वो नहीं पेश करता है। तो ये हदीस भी और इसका और भी तक मिला है, लेकिन ये हदीस भी ज़ईफ है। खुलासा ये कि उधिया और कुर्बानी की फजीलत के सिलसिले में मंसूस अंदाज में जो हदीसें वारिद हुई हैं उन हदीसों में से कोई भी हदीस सही नहीं है। बाकी फजीलत साबित करने के लिए कुरान की आयतें तो है, काफी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबे कराम का फेल काफी है कि आप मुसलसल करते थे, उसकी फजीलत के लिए वो जो एक मशहूर हदीस बयान की जाती है हज़रत अबू हुरैरा से जो रिवायत है कि जो जो है कुर्बानी की ताकत रखता हो और कुर्बानी ना करे तो वो हमारी, हम जब कुर्बानी के हुक्म में आएंगे तो इस हदीस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे ख्याल से फजीलत के हवाले से जो कुरान की आयतें हैं तो उनसे ये कैसे साबित किया जाए कुर्बानी की फजीलत? मतलब कहीं नाजरीन में से किसी के जहन में ये बात ना है कि सिरे से कोई फजीलत नहीं है, नहीं तो कुर्बानी की क्या फजीलत नहीं आनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, कुर्बानी करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में कुर्बान करना, जानवर कुर्बान करना फी नफ्सी ही ये एक इबादत है। इबादत, अगर आप कुर्बानी की मुनासबत ना हो, ईद उल अज़हा की मुनासबत ना भी हो, आप अल्लाह के लिए कोई जानवर कुर्बान कर रहे हैं तो उसकी फजीलत है। जी,
आपने शुरू में यानी जब उसका इबादत होना साबित हो गया तो जरूरी नहीं कि उसके लिए अलग से फजीलत भी साबित हो, सिर्फ इबादत होना ही काफी है उसके। हाँ। वो जो आयत है बोले कुल्ले उम्मतिन जाअल्ला मनसकन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने हर उम्मत के लिए मनसक बनाया। ये जो फजीलत के अदम सबूत की बात की जा रही है, उज़िया ईद उल अज़हा के अंदर जो कुर्बानी दी जाती है उसके लिए मंसूस अंदाज में कुर्बानी करेंगे तो इतना इतना सवाब है, बाल के बराबर सवाब है, ये इस तरह की जो रिवायतें हैं वो सही नहीं है। वरना कुर्बानी की फजीलत अपनी जगह पर मुसल्लम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कई जगह पर नमाज को और कुर्बानी को एक साथ जिक्र किया, जो आज जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, नमाज के साथ कुर्बानी का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। इसी तरह से कुल इन सलाती व नुसुकी, नमाज के साथ कुर्बानी का जिक्र किया गया। जी, जी। तो ये सारी चीजें कुर्बानी की फजीलत के लिए काफी हैं। कुरान की एक आयत समझ में आता है कि नमाज जो इतनी बड़ी इबादत है, हाँ, उसके साथ कुर्बानी का जिक्र करना, इबादत का जिक्र किया जाना, हाँ। उस इबादत की फजीलत की दलील है। अच्छा, उसमें एक मुनासिबत भी ये लगती है कि नमाज में जो है बंदा अपना जिस्म अल्लाह ताला के हवाले करता है और कुर्बानी में अल्लाह ताला के हवाले वो जानवर जिसको काबू में दिया गया है, यानी वो जानवर जो इंसान के काबू में दिया गया है वो अल्लाह के हवाले करता है, दोनों में अल्लाह के हवाले कर रहा है। इसमें अपने नफ्स को अल्लाह ताला के हवाले करता है, अपने ख्वाहिशात को अपना वक्त देता है, मशक्कत बर्दाश्त करता है, ये भी एक कुर्बानी है। हाँ, एक तरफ अपना जिस्म दे रहा है और एक तरफ उस जानवर का जिस्म जो अल्लाह ताला ने उसको काबू में दिया। अच्छा, ये भी जो आपने बताया कि हर उम्मत में अल्लाह ताला ने कुर्बानी को मशरू रखा है हर शरीयत के अंदर, तो इससे भी एक कुर्बानी की अहमियत समझ में आती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई है। हर जमाने में वो लोग जिनको अल्लाह ताला के तकर्रुब की ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के ऐसे अफआल में से है जो हर जमाने में लोग करते हैं। यानी इसको करते हुए अगर ये जहन में रखा जाए कि हर जमाने में नेक लोगों ने ये काम किया है तो इसको करने का एक शौक तेज हो जाता है कि नेक लोगों का काम है ये। हाबील और काबील जी इब्तदाए दुनिया में वो लोग थे। जी जी, जब उनका वाकया मारूफ है कि जब उनके दरमियान इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने कहा कि हम हाबील और काबील जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनके दो बेटे थे, उनके दरमियान जब इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने कहा कि हम दोनों कुर्बानी पेश करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर में, और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसे हक पर माना जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि काबिल ने खेती वगैरह करता था, उसने अनाज वगैरह पेश किया, और हाबिल ने जो कि हक पर थे जी जी, उन्होंने कुर्बानी जानवर पेश किया। तो ये आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के बाप हैं वहां से कुर्बानी चली आ रही है, यानी नेक लोगों का हर जमाने में शियार रहा है, तरीका रहा है। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, उन्होंने बाद में कहा अल्लाह ताला मुत्तकियों से कुर्बानी कबूल करता है। इसी तरह कुरान की वो एक आयत है, लयनारल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, कुर्बानी के सिलसिले में ही है कि जब हम पेश करते हैं तो उसका खून गोश्त ये अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता है, जो हमारा तकवा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहुंचता है। गोया कि कुर्बानी करना ये तकवा का बाइस है। जी जी, अगर उसे इखलास के साथ किया जाए तो ये तकवा का बाइस है, और फजीलत के लिए जितने नुसूस का जिक्र किया गया ये काफी है। अलग से यानी अल्लाह के नबी सल्लम ने किया है इतना ही फजीलत के लिए बहुत काफी है, उसके लिए अलग से कोई सवाब की तादाद बताई जाए कि इतना सवाब मिलेगा तो जरूरी नहीं है। फैशन बन गया है ये, तो ठीक है कुर्बानी के सिलसिले में बात ज़ईफ हदीसें वारिद हैं उसकी बुनियाद पर लोग बयान करते हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनमें आवाम की ऐसी ख्वाहिश होती है कि हर सवाब को काउंट करके उनको बताया जाए कि आप ये करोगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बेहिसाब है, आप हिसाब क्यों रख रहे हो? जी, अबू ज़र ग़फ़ारी एक सहाबी हैं, उनके बारे में आता है कि मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बहुत बाद वो मदीना छोड़ के बाहर कहीं आबाद हो गए थे, मदीना में आए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे हैं, दो दो रकात करके पढ़ते जा रहे हैं। किसी ने पूछा आपको पता भी है आप कितना पढ़ चुके? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है लेकिन अल्लाह ने पता है। आप काउंट क्यों करते हैं? जरूरत क्या है? जहां पर अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने काउंट करके बता दिया है वहां पर तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप काउंट करने की कोशिश क्यों करते हो? जी जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहिसाब देने वाला है और इंशाअल्लाह देगा। जी, मोहतरम नाज़रीन, कुर्बानी की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू आपने समाप्त की, कुर्बानी की तारीफ़ क्या है ये भी आपने जान ली इस एपिसोड में, इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी का क्या हुक्म है, कुर्बानी के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू होगी, हमारे जो पिछले एपिसोड हैं उन पे भी कुर्बानी के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई है। जो हमारे नाज़रीन उस गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं वो आई प्लस के यूट्यूब चैनल पर जा करके पिछली जो हमारे एपिसोड हुए हैं उनको देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जाएं,
और जिन लोगों ने पिछले हमारे एपिसोड नहीं समाप्त फरमाए हैं वो समाप्त फरमाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कार्य खैर को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।